हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सियाल ट्रिक्स में। तो आज हम आपको लेके आए हैं बाबा बालकरूपी मंदिर में, और ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करेंगे। बाबा बालकरूपी मंदिर जो है वो जिला कांगड़ा में आलमपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सुजानपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा बालकरूपी मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मेन रोड से जो है वो सीढ़ियों के माध्यम से आप मंदिर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे किसी ने मीठे पानी का जो लंगर है वो लगा रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीठा पानी पीते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे सीढ़ियों के पास ही जो हैं वो बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह या धूप वगैरह जो हैं, झंडी वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये दुकानें जो हैं ये ऊपर तक हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे ही दुकानें हैं, ऊपर भी काफ़ी सारी दुकानें जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रसाद आदि के अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं, जैसे कि बाबा बालकरूपी जी की मंदिर की फ़ोटोज़ हो गई या मालाएं हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और हम आपको जो है बाबा बालकरूपी मंदिर का इतिहास और कैसे बना बाबा बालकरूपी का मंदिर वो सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और थोड़ा सा चढ़ने के बाद जो है अब हम बाबा बालकरूपी जी का जो मेन गेट है मंदिर का ऊपर, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जूते चप्पल जो है वो आपको यहाँ पर बाहर उतार के जाने पड़ेंगे, और यहाँ पर जूते रखने के लिए जो है वो छोटे छोटे रैक बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आप किसी दुकान से प्रसाद वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी चप्पल जूते जो है वो रख सकते हैं, उसका आपसे दुकानदार कोई चार्ज नहीं लेता है। और बहुत ही खुशी के साथ दुकानदार जो हैं आपकी जूते चप्पल संभाल के रखते हैं। सब लोग अपने अपने जूते चप्पल जो हैं वो यहाँ पर रैक में रख रहे हैं। और ये मंदिर का मुख्य गेट है जहाँ पर बाल शंकर लिखा हुआ है, और यहीं से जो है वो एंट्री होगी। एंट्री होते ही यहाँ पर आपको ये दो लोग बैठे हुए मिलते हैं जो पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इनको पैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो है वो दो मंदिर हैं। ये वाला जो मंदिर है इसमें आपको एक तांबे के नंदी जी देखने को मिलेंगे, और ये वाला जो मंदिर है इसमें आपको बाबा बालकरूपी जो हैं वो शिवलिंग रूप में देखने को मिलेंगे। नई शादी होने के बाद जो है लोग यहाँ पर माथा टेकने जो हैं आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं। यहाँ मुंडन के बाल जो हैं वो यहाँ पे चढ़ाए भी जाते हैं। नई दुल्हनें इस मंदिर में अपना शादी का पहला पहना हुआ चूड़ा भी चढ़ाती हैं, साथ ही दूल्हे के सेहरे को भी इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जुटती है। रविवार और शनिवार को यहाँ भंडारा भी किया जाता है। तो मंदिर के अंदर जाने के लिए जो है वो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और अब हम मेन मंदिर के अंदर जो है वो एंट्री कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाबा बालकरूपी जी के शिवलिंग हैं। तो बाबा बालकरूपी जो हैं शिवलिंग रूप में यहाँ पे विराजमान हैं, और आप जो प्रसाद वगैरह लेके आते हैं वो आप यहाँ पे पंडित जी को दे देंगे, और तो यहाँ से थोड़ा सा प्रसाद निकाल के बाकी आपको वापस दे देंगे। तो सब लोग जो हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मंदिर को देखने से ही आप समझ सकते हैं कि मंदिर जो है वो कितने साल पुराना होगा, और ये मंदिर जो है वो महात्मा लापुरी और तदोपरांत बाबा बालकरूपी को समर्पित किया जाता है। तो बाबा बालकरूपी जी के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे जो साथ में दूसरा मंदिर है नंदी जी का। तो वहाँ पे तांबे के नंदी जी हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो तांबे के नंदी जी हैं उनके ऊपर जो है वो आटा जो है वो लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं सामने जो है वो लोग नंदी जी के ऊपर आटा लगा रहे हैं। यहाँ पर नंदी जी के मुँह से जो है वो आटा शुरू करते हैं लगाना, और उनकी पीठ में से होते हुए फिर से वापस उनके मुंह तक पहुंच जाते हैं। और लोगों की यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई भी चर्म रोग वगैरह हो तो नंदी जी के ऊपर आटा लगाने से वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वैसे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे नंदी जी के कान में अगर कोई बात बोली जाती है तो बड़ी जल्दी जो है वो स्वीकार हो जाती है। तो यहाँ पर नंदी जी के कान में लोग अपने मन की बात भी बोलते हैं, और साथ ही यहाँ पे आटा जो है वो नंदी जी के ऊपर लगाया जाता है। तो सारे लोग जो हैं यहाँ पे नंदी जी के ऊपर आटा लगा रहे हैं, तो अब हम भी यहाँ पे नंदी जी को आटा लगाएंगे। और ये आटा जो है ये गेहूं का आटा होता है,
और ये गेहूं का आटा लोग अपने घर से ही लाते हैं। तो यहाँ पे जो नंदी जी हैं वो यहाँ पे कैसे विराजमान हैं उनकी भी एक कहानी है, तो चलिए हम आपको वो कहानी बताते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक लड़की थी जो शिव जी की पूजा करती थी और वो मन ही मन में बोलती कि अगर मेरा विवाह किसी राजा से हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक तांबे का बैल जो है वो बनवाऊंगी। तो उस लड़की का विवाह जो है वो राजा से हो जाता है। विवाह होने के बाद वो लड़की भूल जाती है कि उसने क्या प्रार्थना की थी। फिर एक दिन उस लड़की को सपना आता है और फिर वो सपना राजा को बताती है। उसके बाद जो है वो राजा यहाँ पे रानी के कहने पे एक तांबे का बैल जो है वो बनवा देते हैं। तब से वही बैल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये कहानी जो है वो कितनी सच्ची है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के द्वारा हमें यही कहानी जो है वो सुनने को मिलती है, तो हम इसी के ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ पे मंदिर में आपको बकरे भी देखने को मिलेंगे, तो ये बकरे जो है वो यहाँ पे मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। जैसे लोगों ने मनोकामना की होती है और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे बकरे जो हैं वो चढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो समय के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसे जिसकी जो मनोकामना पूरी होती है उसके हिसाब से लोग यहाँ पे काम करवाते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा हॉल जो है वो बनवाया गया है। यहाँ पे फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा ये बनवाया गया है उनके नाम और कितनी राशि इसमें लगी है वो यहाँ पे एक दीवार पे मेंशन है। मंदिर के साथ में ही जो है एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया है, तो अब हम लोग जो हैं वो मेले की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए हम मेले की तरफ चलते हैं। ये मेला जो है यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है उसी के ग्राउंड में ये मेला लगता है सारा। और इस मेले की खास बात ये है कि इस मेले में जो स्टॉल लगते हैं वो यहाँ के लोकल लोग और आसपास के दुकानदार जो हैं उन्हीं के द्वारा ये स्टॉल्स लगाए जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे उनके स्टॉल लगते हैं, नहीं तो ये सारे स्टॉल्स जो हैं वो लोकल लोगों के द्वारा ही लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा मेले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा मिकी माउस है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और भी काफ़ी सारे गैजेट्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे मेरी मम्मी की बहू जो है वो अपने लिए एक बैग ढूंढ रही है और उसके अलावा काफ़ी सारे पर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सुबह और दोपहर जो है वो भीड़ कम रहती है मेले में और शाम के टाइम जो है वो भीड़ बढ़ जाती है, तो शाम के टाइम ही आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रस देखने को मिलेगा। मेले ना केवल मनोरंजन के साधन होते हैं बल्कि मेले का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़े होना भी है। मेले में आपके डेली यूज़ होने वाली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, तो अपने हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे कीचेन्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी मम्मी की बहू जो है वो चूड़ियों की दुकान पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे वो अपने लिए चूड़ियाँ देख रही है। तो मेले में शॉपिंग करने के बाद अब हम चलते हैं आगे खाने पीने के स्टॉल की तरफ। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे एक स्टॉल पे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये स्टॉल जो हैं ये लोकल लोगों के द्वारा ही लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको मिठाइयाँ देखने को मिलेंगी उसमें आपको जलेबी और पकौड़े जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़े जो हैं वो आपके सामने बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे जलेबी जो है वो भी बिल्कुल गर्मा गर्म मिलेगी, आपके सामने यहाँ पे बनाई जाएगी। तो हम भी अपने लिए 1 किलो जलेबी और 1 किलो पकौड़े ले लेते हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं गोलगप्पे के स्टॉल पर। तो मेरी मम्मी की बहू जो है यहाँ पे गोलगप्पे खाने लग गई है। गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम जैसे गेट से बाहर निकलते हैं तो हमें यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा बांस की बनाई हुई टोकरियाँ देखने को मिलती हैं। तो मेला घूमने के बाद जब हम मंदिर के गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सेहरे और जयमाला, चूड़े वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था वो चीज़ें यहाँ पे मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, तो लोग जो है वो यहीं पर चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है अब हमें यहाँ पर कोई बताता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कुंड जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो अभी हम कुंड देखने जाएँगे। और यहाँ पे जो हैं ये काफ़ी बड़े बड़े कुंड कई सौ साल पुराने हैं और ये जो कुंड हैं यहाँ पे भी लोग पूजा वगैरह करते हैं। और यह जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे झंडियाँ वगैरह लगा रखी है और काफ़ी गहरे ये कुंड बताए जाते हैं। और यहाँ पे कुंड के ऊपर जो है ये रोड चल रहा है, ये रोड है इसके ऊपर, और ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के नीचे ही जो हैं वो कुंड बने हुए हैं। ये नेचुरल बने हुए कुंड हैं, ये किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो इन कुंड में आप नहीं नहा सकते हैं क्योंकि इन कुंड में नहाने की मनाही है। आप अपने ऊपर पानी के थोड़े से छींटे जो हैं वो डाल सकते हैं। कुंड देखने के बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें और जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर हमने वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें DM भी कर सकते हैं, हम उस चीज़ की करेक्शन करेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बालक रूपी, जय बाबा बालक रूपी।